आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? मम्मी साहब, मम्मी साहब, 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 साहब। तो जी शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए बहुत बढ़िया जगह पे। सनसेट का टाइम देख लो, बहुत बढ़िया कलर्स। केजीएफ एज यूजुअल गाड़ी चलाते हुए, पर मम्मी बैठे ले इधर, सब लोग बैठे ले इधर, प्रो लेवल मेट्रो का काम चलते हुए। भाई हम लोग जा रहे हैं आनंद महल रोड पे। मम्मी ने पेपर में कहीं पे पढ़ा था कि अच्छा सा खादी भंडार एग्जीबिशन चालू हो गया है, तो समर आएगा तो अच्छा पहनने के लिए अच्छा जगह पे जाना पड़ेगा। तो मम्मी बोलिए कहाँ जा रहे हैं? ये जो ना रजा से ना, मतलब मैं कितने आटो मरावे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये जो फ्रेश थे सरिका जी, क्या लेंगे अभी देख रहे? तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मम्मी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, आटा मारना ले। हाँ, वहाँ पे क्या मिलता है बाद में पता चलेगा, क्या लेने जैसा है। ओके, हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये माने तो न्यूज़पेपर ने ऐसे वाचा है, तो कैसे पता चलेगा माँ को? माँ बहुत खैर खबरे है बेटा, माँ को सब पता चल जाता है। वो उनके लेडीज ग्रुप में पूछ लिया होगा बा ने। और यहाँ पे देखिए हमारे वराचा की मौज, बाय बाय, तीन तिगड़े काम तगड़े, वाह खजवलते हुए गुजरात नी मौज। चलिए गाइस मिलते हैं वहाँ पे जाके, फिलहाल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं। केजीएफ का भी वीजा रख रहे हैं इस बार, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअली में ये जो हम ट्रिप सोच रहे हैं ना, वो ट्रिप नहीं होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। इसके अंदर आपको जानकारी के साथ साथ एक नया कंट्री देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट टाइम यूएसए गए थे तो ये हार्दिक को लेके नहीं गए थे, इस बार तो हम जहाँ पे भी जाएंगे हार्दिक को लेके जाएंगे। तो बने रहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं, साथ में काम ही हो जाएगा और हम लोग घूम के ही आएंगे, घूम के भी आ जाएंगे और जो चाहे तो। ओ, बढ़िया। तो गाइस हमारे वराचा के पीछे जो बॉम्बे मार्केट का बिल्डिंग है वो टूटने का स्टार्ट हो गया है। मेरे को लगता है रिनोवेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट ये अभी टूटने का चालू कर दिया है। ऐसा है मम्मी, पता है तुझे? वो बैंक वाली जगह लगती है। नहीं, वो पूरा बिल्डिंग तोड़ रहे हैं अभी। क्या ब्यूटीफुल सनसेट का कलर दिख रहा है यार, वाव, वो फाइन। ये देखो एकदम परफेक्ट तोता बैठा हुआ है कॉर्नर पे, वाह मिल गया, वाह। तो जी आप लोग देख सकते हो हमारे सूरत का नजारा, इतना क्लीन लग रहा है ना सूरत। और ऊपर देखो मालगाड़ी जा रही है, जो इसको क्या बोलते है, मालगाड़ी को उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो काम और की चीज़ है। डीजल और जिन्हें होता है ना वो कार्टून, वो भी ये लेके जाता है। वेरी गुड। और गाइज ये देखिए, ये ब्रिज बनने के बाद इतना ज्यादा अच्छा हो गया है हमारे लिए, डायरेक्ट बॉम्बे मार्केट आता है शॉर्टकट में निकल जाने का। तो ये है हेजू का फेवरेट अड्डा। हेजू इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये फायर ट्रक है और ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस आ रही है, देखो पीछे से है पहले। हाँ, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता करेंगे, इधर से निकल रही है। तो गुड जॉब, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब हेजू। ऐसे कभी भी हम ट्रैफिक में होते हैं ना तो पीछे एम्बुलेंस होती है ना, तो उसको पहले जगह देने की। ओके, सारिका को भी सिखाना पड़ेगा, सारिका को भी अभी गाड़ी चलाना है। मुझे सब पता है लेकिन गाड़ी ही नहीं आती। हाँ वो तो बात सही है, मुझे सब कुछ पता है अभी तो। तो आज ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द तापी नदी, सूरत की बहुत बढ़िया से कलर्स। और ये देखो, ये देखो सब सनसेट के वीडियो ले रहे हैं भाई, वाह क्या रील बना रहे होंगे, क्या वीडियो ले रहे होंगे, चेक अ जैम। चलिए गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान कॉटन फेयर। तो केजीएफ जी, ये सब इस टाइम तो अच्छा दिख रहा है। वो कप वप थोड़े अच्छे, ये लोग तोड़ बहुत ज्यादा देते हैं चाय के तो कप। तो पीते ही क्यों है? चाय तो पीनी पड़े ना यार, कप तोड़ते ही क्यों है? चलिए गाइस, तो अभी सोच रहे इससे दिख रहा अच्छा रहा, लास्ट टाइम आया था इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखा था। खादी का थोड़ा ज्यादा, खादी का अच्छा। और यहाँ पे बच्चे लोगों को खेलने की जगह भी है, तो ये तो बहुत एक्साइट हो गई है। मेड़ो मेड़ो तो गाइस बढ़िया सा बना दिया है एंट्री, बट इसमें एक मिस्टेक हो गया है यार। वोकल फॉर लोकल आता है, लोकल फॉर वोकल कैसा चलता है? रहता है थोड़ा कहता है, चला 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 लेट्स गो। कॉटन गमे तो कॉटन बहुत, मम्मी को तो आते ही पहले कपड़े ही दिख गए। रिटर्न अच्छा, मम्मी झूला है बहुत बढ़िया लेते हैं यार। मम्मी झूला बुला नहीं। हाँ ये देखो मैम साहब बैठ गए आके सीधे, उनको तो मजा ही आ गया है खेलने का। सरस, वेरी गुड। वो चेयर अच्छी है एक्चुअली, है चेयर बढ़िया दिख रही है। अभी आप दोनों भाई के बराबर ही कप है, आपके मुंह का साइज का, तुम्हारे मुंह की साइज है तो तुम ले लो। मेगा भी
क्या ये जो कौन सा कप लेना है बेटा? हाँ ये वाला, हाँ ये जो को तो टॉय वाला ही दिख जाता है। दूर रह टूट जाएगा ना, तेरे पापा को बिल भरना पड़ेगा। फिंगर भी नहीं आ रही है यहाँ पे, इतनी बढ़िया सी छोटी छोटी चीजें है। कनु कनिष को खेलने के लिए कुछ ले लो अच्छा सा। 120 120 120, ये देखो छोटे छोटे। अच्छा अच्छा ये क्या है ये? ये अच्छा है। ये पीप पीप फूलों की दुकान बहुत बढ़िया। और ये देखो अभी सारी का लपेट लेगी दो तीन मोजड़ी एक साथ। उदयपुर गए थे तब तूने इतनी ले ली है ना? एक ही ली थी वो ही यहाँ पे देखो। उदयपुर से है? नहीं ये तो पंजाबी है। हाँ मम्मी को कुर्ता दे। पप्पा पप्पा के लिए लेना है? मम्मी पप्पा के लिए ले लो। ना ना तुम्हारे साइज मापिन ले लो। अरे नहीं पप्पा के लिए ले, पप्पा को मजा आएगा। मम्मी नहीं पहरे। अरे मजा आवे पहरे। इनको दिखाओ इनके हस्बैंड के लिए। मम्मी बच्चों का इधर है तेरा बच्चों का। बच्चों का ले ले। बच्ची बच्ची का ले ले। वाओ ये देखो कितने बढ़िया प्रिंट वाले। एजो के लिए लेना यार ऐसा कुछ। अरे कहाँ पहनती है एजो? ये इसमें से कोई अच्छा लगता है? ऑफ शोल्डर एजो को पसंद नहीं है। अच्छा ऑफ शोल्डर पसंद नहीं है। वो ये कितना अच्छा है देख। वाओ सिर्फ आपने अपने कान में लगवाए तो है और, लेकिन कभी कभी भी मैंने आपको आपके कान में बूटी देखी ही नहीं। तो मेरे को अभी चाहिए नहीं, मेरे को तब मैं कॉलेज में था ना तब मेरे को शौक था। अगर आप देख सकते हो गाइस मेरे दोनों कानों में होल है, पर अभी शादी के बाद पहना ही नहीं। आप जैसे भी टी शर्ट पहनो ना ऐसा कलर नहीं ऐसे नहीं ऐसा पहन ऐसा नहीं। वो ऐसा ज्यादा हो गया थोड़ा, तेरे को ऐसा नहीं लगता है? मैं और ही नहीं हूँ। ये पहनो ये अच्छा है। नहीं बेटा वो पिंक वाला लेडीज पहनते है बेटा, जेंट्स नहीं। आगे बढ़ो, ऐसे बातें करो आगे बढ़ो। तो जी ये आइटम हमारी आई है बहुत बढ़िया, मेरी और हार्दिक की फेवरेट है। हाथ नहीं लगाने का, उधर से देंगे। ये क्या है? गरोड़ी हवा बाण हरडे है। सबसे बेस्ट हमको ये लगता है विंड चाइम। ये जो तेरे को पता है इसको क्या बोलते हैं? विंड चाइम्स। इसको ऐसे आवाज करते हैं ना, देख ऐसे आवाज आता है। अभी बोल रहे हैं अभी मैं यात्रा में जाऊंगी तो एक स्लिंग बैग तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो बैग ले लो। बैग कार्ड आ गया है तो मम्मी एक काम करो पीछे टिंगाने वाला ले लो आप। पीछे टिंगाने वाला नहीं अच्छा लगता। ये दिखा तो, ये दिखा, ये कितने का है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। स्लिंग बैग हम फावे ना मम्मी ने बदू फावे। चेन ज्यादा चाहिए मम्मी, कोई भी पर्स दो चेन वाले हो ना तो मजा आता है। एक में फोन रहे एक में पैसा रहे। ओके वेरी गुड। और यहाँ पे हमको दोगलापन भी दिख गया है। अश्निल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये पूरा बुक मिल गया इधर, वाह क्या बात है। तो गाइस बुक का बहुत बढ़िया सेक्शन है, देखते हैं अभी एक बुक लेते हैं। हाँ लेते हैं लेते हैं एयरपोर्ट पे पढ़ने के लिए। हाँ बेटा भाई। तो जी पहुंच चुके हैं बच्चों के सेक्शन में, अभी यहाँ पे बगड़ाटी बोलने वाली है। क्या लेना है? बच्चों का सेक्शन रखना ही नहीं चाहिए। हाँ यार मगज का दुखावा, ये देखो एक इसके हाथ में आ गया है। तेरे लिए जो मैंने बुक ले दी ना, मैंने बुक के सेक्शन में इतनी मस्त बुक मिली ना। प्रैंक करने के लिए आपके लिए कॉकरोच और चिपकली ले ले, बाद में पता चला ये मेरे पे ही आ सकता है तो मैंने छोड़ दिया। ऐसा नवत करो, ऐसे भी दिख जाता है पता चल जाता है। इधर आओ मेरे साथ में एक बात दिखाती हूँ। मक्खन मारेगी अभी, मक्खन मारेगी। क्या लेना है बेटा? एक बात दिखाती हूँ बस, इधर ही है, इससे ज्यादा आगे नहीं। बंद हो, खत्म है, खत्म हो गया बेटा। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर तेरे लिए ले दे, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में है। अनिश कभी टॉयज के लायक ही नहीं है, कुछ भी ले दो। दस रुपए की चीज 10 मिनट भी नहीं चली। 10 रुपए की नहीं होती है, 50 साइंट की तो होगी ही होगी। 50 साइट नहीं, 5 मिनट है नॉली वॉट है। 100 रुपया 100 1 मिनट तो चलने देता। तो जी हमारे भाई को उसका अड्डा मिल गया है बहुत बढ़िया, यहाँ पे सब टेस्टिंग के साथ चक चक। तो जी हेजू को मिल चुका है अपना बढ़िया सा प्लेन, येलो कलर पे प्लेन में निकल पड़ी है हमारी हेजू। अब नीचे नहीं आएगा वो, वापस ऊपर जाएगा। हमको तो ठीक है मजा आया ना, हमारे बच्चे लोगों को मजा आ गया है। ये देखो यहाँ पे बच्चे होने के बाद ऐसा इम्पोर्टेंट है कि ऐसी ऐसी चीजों पे लेके जाइए। और ये देखो यहाँ पे तो पूरा मेला लगा हुआ है। तो जी पहुंच चुके हैं डोसा चारकोल में, और कनिष को जे जे करने का मौका मिलेगा अभी, क्योंकि सामने है शंकर दादा, देख लीजिए। और ये देखो जे 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 जे, अरे वाह जे जे। घर
वगरेली कटी जो मंगाई, वगरेली कटी नहीं है वो चीज वाला है, वो बहुत बढ़िया है। हमने यहाँ पे तीन चार अलग अलग टाइप के डोसे मंगवाए हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, बट हार्दिक को ये वाला बहुत अच्छा लगा, सबसे बेस्ट ये वाला था। और ये वाला कौन सा है? मैसूर है। और ये वाला जो खा रहा है वो कौन सा है? चार कोर्स स्पेशल है। डोसा चार कोल के मालिक आए हैं मिलने, भाई क्या बात है, क्या मजा भाई, मजा आएगा वो फैन। तो हमको भाई मुखवास डोसा से नवाजा गया है एंड में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट डे, तो गाइस आज हमारे घर पे बन रहा है गाठियाज, जो त्रिकोण शेप में आते हैं, त्रण वड़ी गाठिया, क्या कहवा है मोमियान, हूँ कहवा चंपाकली, हाँ चंपाकली गाठिया। अभी आप क्या बोल रहे? भावनगर के चंपाकली। अच्छा, तो वो गाठिया हमारे घर पे बन रहे हैं, तो उसमें आज हमने थोड़ी नोवेल्टी ट्राई की है, वो है उसमें हमने डाली है कसूरी मेथी, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आता है ना मम्मी। हाँ, तो आप भी जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं पिछली बार चक्कू बहन के वहाँ पे गई थी ना, तब चक्कू ने मुझे टेस्ट करवाया था कि मेथी बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट देती है, और चक्कू बहन ने तो ग्रीन मेथी डाली थी, मैंने यहाँ पे ग्रीन अभी अवेलेबल नहीं थी तो सूखी ही डाल दी, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता, ग्रीन डालते हैं तो कलर भी थोड़ा ग्रीनिश टाइप आ जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा दिखने में है, और टेस्ट में तो दोनों भी बढ़िया, दोनों ही बढ़िया है, ये भी और वो। तो अभी मम्मी ने थोड़ी कम डाली है, उससे ज्यादा होता तो अच्छी लगती, लेकिन हार्दिक भाई को थोड़ी कम पसंद है, तो सब लोगों का हो जाए इसीलिए, नहीं ज्यादा नहीं कम, तो भी मम्मी इतना ग्रीन नहीं आ रहा है, चक्कू बहन को बहुत ही ज्यादा ग्रीन आया था, लिली वाली ना तो तो इतनी आपको दिख रही होगी, कसूरी है तो ज्यादा दिख नहीं है, वो वैसे हो जाती है ना, भूखा हो जाती है, भूखा हो जाता है। और गणेश को यहाँ पे कुछ ना कुछ तोड़ने में ही मजा आता है, गणेश को समर आ गया, आप कपड़े से देख सकते हो गणेश को, है ना क्या बुबुनो आवे। और अभी देखते हैं मिस्टर जेडी पटेल क्या कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पैकिंग कर रहा हूँ, मेरे को देर लग जाएगी, बिकॉज अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, देर लग जाए मुझे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपका प्लेन ना छूट जाए वो ध्यान रखना। प्लेन तो 3:30 बजे का है, अभी टेंशन नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि अभी मैं बोबड़ा गया हूँ, क्योंकि इतने दिन से बाहर नहीं गया था ना, तो मेरा सभी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और मेरे को आइडिया नहीं आ रहा किसका किधर है क्या। हाँ, वो तो हर बार का है ही है, पर इसमें कुछ नवीनता है नहीं, नवीनता में क्या है वो बताए, नवीनता में आप थोड़ा हेल्प कर दो ना। पता ही था। वैसे क्या है, अभी जयदीप ने बोला था मुझे, मैं अकेला रूम में हूँ, मुझे कोई डिस्टरबेंस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं सामान पैक कराऊ, तो मैंने बोला कोई नहीं, तो वो 9 बजे से अंदर आए है, बाद में लग गई पोटी, तो इम्पोर्टेंट है, काम के पहले आती है वो, सब लोगों को दुनिया में पता है, तो अभी बज गए 10:30, अभी तक 11:30 भी बजेंगे 11:30 भी बजे, अभी इतना ही है, नहीं ऐसा है, अभी मैंने सोचा था नहीं यार तो हेल्प मांगी नहीं है तो क्यों सामने से मैं रोटी हूँ, लेकिन अभी तो मांगी ली है। कपड़े का बैग पैक करने में और कैमरा का बैग पैक करने में एक भी चीज अगर छूट जाती है ना, तो उधर जाके फिर देखो पार्सल तो होता नहीं है, जैसे बारीकी से एकदम एक सोच के डालने का मजा जो है ना, तो आपने लेट कल से चालू कर दे, कल हम बिजी थे ना, आपको पूरी रात क्या कर रहे हैं, लाइफ का बैलेंस ऐसे हो रहा है ना शादी के बाद, धंधे का और घर का संभालने में ही मेरा टाइम नहीं, मैं ऐसा सोचता रहा हूँ कि मेरी दुनिया में मैं कर मेरी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, रोदरा मत रहो, जो भी करो लेकिन रोदरा मत रहो मेरी तरह, हमने इसमें ही जा रहा है टाइम, तो कुछ हो ही नहीं जाना किधर, सब लोगों की लाइफ ऐसी है, लेडीज की घर काम में, बच्चे में ऐसी, और जेंट्स की धंधे में, घर में, ऐसे ही होती है सब लोगों के, हम थोड़ी अंबानी फैमिली में, अंबानी को भी काम करना पड़ता है, तो हम तो क्या खेत की मूली है, वो धंधे वो पैसा तो कमाता है ना, तो हम क्या कमाते हैं, धूड़ मिट्टी। तो जी बज चुके हैं 12:45 और हम लोग फाइनली हो चुके हैं फ्री, मैं हो चुका हूँ फ्री, पैकिंग वैकिंग कम्प्लीट हो चुका है, बहुत ज्यादा जाम, और यहाँ पे हमारे KGF संडे का मूड एंजॉय करते हुए, KGF कल एक चीज हुआ तेरे को पता है क्या हुआ, मैं ये लेके आया हूँ सारिका ने एक्चुअली बोला था कि मेरे को लेना है, बट लेकिन ये मेरे पे ही आ सकता है, तो उसको पता सेम डिटो कॉपी है, उसको पता नहीं है, अभी वो आएगी, उसको नहीं पता, वो नीचे बच्चे को लेके गई है, तो आप एंड तक देखिए, आज सारिका का बोबड़ा जाने वाला है, मम्मी ने बोला उसके साथ ऐसा प्रैंक मत कर, उसको बुखार आ जाएगा, उसको फीवर हो जाता है, कभी कभार चलता है, तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग प्रैंक करेंगे, ऊपर आएंगे ना दादर से, वो उधर डाल देंगे, हाँ। ये तो बीवे से हो कफट, बीवे से मना हम लोग बने भी तेरे को क्या लगता है, वो डर जाएगी
मम्मी पर अभी से ही तू हंसने लग गई है, वो आएगी ना हंसना मत, पहले बोल रहा हूँ तेरी हंसी ऐसे ही छूट रही है। पर तू इतनी हंस मत, वो आएगी ना तू उल्टा, तेरा मुंह उल्टा ही रखना तेरे को। हाँ बस हंस भी रही है और बता भी रही है ऐसा करना। केम रोवे छे कानो? बहुत बढ़िया, चलिए पानी पिलाइए सासू। ये स्टिकर किसने लगाया पीछे तुम्हारे? इधर स्टिकर है एनी, बहुत खेल है। चलिए तो सारिका जी हमारा पैकिंग हो चुका है, तो आप प्लीज आपका मोबाइल मुझे दीजिए, मुझे थोड़ा काम है। और बड़े क्या वायर बोलता नहीं? अच्छा देख लेते हैं, मैं थोड़ा देखता हूँ। तो सारिका जी आपसे दो एकदम हैवी सवाल करने वाला हूँ मैं। नहीं हैवी मत करना। जो एक्चुअली में हमारे क्या बोलते हैं लाइफ के रिलेटेड है। हमारी शादी को कितने साल हुए? आठ साल हुए। आठ साल में आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? आपके गुस्से का। गुस्से का डर? हाँ, तो बिन मतलब कि कोई भी चीज करते हैं ना, अगर मुझसे हो गई तो मुझे डर लगता है जेदीप डांटेंगे ना, तो भी क्या होगा। उससे भी ज्यादा डर किससे लगता है? उससे भी ज्यादा डर किस बात का है? गरोड़ी से। ओ माय गॉड, गरोड़ी तो अगर तेरे पीछे गरोड़ी आ जाए तो तू क्या करेगी? कुछ नहीं। जो खाली एक जो पाछल फरी जो नहीं यार हाची अग्रोड़ी हाची चाल जो एक मिनट नकली है नकली है। तो भी मुझे पता है ये कल मिली थी ना तब से एक नंबर गरोड़ी। बाकी मुझे लगा था कि मैं बच्चों के लिए खेलने के लिए ले लूं सब, लेकिन मुझे लगा है मुझ पे कभी कभार आएगी, इसलिए मैंने नहीं ली। पर सारी काम रियली मैम टच खाली जो पकड़। अरे हम नहीं जोता है बीक लागे गरोड़ी हाची नाम जो तेरा ताव आवी जात सारी का। यार तूने पूरा प्रैंक का दिमाग हला डाला यार, तेरे से प्रैंक मेरे से तुझसे प्रैंक ही नहीं हो पा रहा यार। मैं जो तो मुझे पता है जयदीप अभी आठ साल हो गए, मैं आपको इतना तो जानती हूँ। अच्छा आपको मुझे पता नहीं था, वैसे खरीद लिया था ना, वो आइडिया भी मेरा था, मैंने ब्लॉग में बोला ही था ना कि मेरे पे ही होगा, तो हुआ ना। मुझे आप करो ना जो भी चीज करने वाला उससे दो तीन घंटे पहले पता चल जाता है। स्मार्ट बीवी है आपकी। वाह वाह वाह, वेरी स्मार्ट बीवी। चलिए एनीवे इसी के साथ प्रैंक का पोपट हो गया। यार क्या प्रैंक, इतना अच्छा प्रैंक मैंने सोचा था। एक्चुअली तूने वो मैंने सोचा उसने सोचा था ना वो पहली है। चलिए गरोड़ी लाया था और कुछ नहीं, नहीं और लाए, ये सिंगल था ही नहीं पैकेट में। ये तो पैकेट में था ना, रमवा नावली वस्तु होती, पैकेट कहाँ गयो? पचास रुपया का पैकेट था जी। 50 रुपया आपने यहाँ पे वेस्ट कर दिया। हाँ। उससे अच्छा तो नीचे कितनी सारी गरोड़ी है, एक लेके रख देते यहाँ पे, मैं असली में डर जाती। ऐसे हाथ में थोड़ी आती है 50 रुपए में। आती है, 50 भी नहीं देना पड़ता। हाँ। मुफ्त में आ जाएगी, यहाँ पे रख देते तो प्रैंक भी हो जाता, मुझे डर भी लगता। ओके चलिए, लेकिन आपको नहीं लगता। मम्मी साहब, मम्मी साहब, साहब 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 असली रियल है भले
फाइनली ओ माय गॉड फाइनली एक आता हाथ चल लागे जो एजो को डराने का है एजो के साथ करते हो हेलो विम साहब है वो एजो साहब 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 पोपट हो गया यार चलिए एनीवे गाइस तो ये रहा आज का हमारा संडे का दिन अच्छा रहा वीकेंड वसूल हो गया अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो आज लाल भाई का बर्थडे है दो दिन के बाद मिलेगा लाला भाई को हैप्पी बर्थडे बोल दो लाला भाई हैप्पी बर्थडे